अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग को 10वीं जमात अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। पहला चैप्टर जो है दो मुतगैर खती मसावात, उसकी मुश्किल सेट 1.3 ग्रामर के उसूल से, वो आज हम हल करेंगे। तो दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल लेंगे ग्रामर के उसूल से हल करने का। तो ये पहला सवाल है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हमें ये मसावात हल करने के लिए हमें ये देखना है कि ये मायारी सूरत में है क्या नहीं, मायारी सूरत में होना ज़रूरी है। तो हम मायारी सूरत इसकी लिखेंगे ax प्लस by इज इक्वल टू सी। तो हम गौर करेंगे तो इसमें दो मसावात है, इसलिए हम a1 b1 c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये क्या है, मुस्तकिल आदाद है। तो अब हम ये पहले से ही मायारी सूरत में है, तो हमें इस मायारी सूरत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहली और दूसरी मसावत पहले लिख लेंगे, 3x में 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारी हुई पहली मसावत। और दूसरी मसावत 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारी है दूसरी मसावत। तो हमें इसे हल करने के लिए, हमें क्रैमर के उसूल से हल करने के लिए, इसमें हमें कुछ फॉर्मूले हैं और इसमें हमें चार चीज़ मालूम करनी होती है, जैसे कि d हो गया dx dy और xy, ये चार चीज़ हमें मालूम करनी होती है। और ये चार चीज़ मालूम करने के लिए सबके फॉर्मूले हैं, ज़ाबते हैं, तो हम फॉर्मूला ज़ाबता लिख ले ताकि आपको समझने और मुझे समझाने में आसानी हो। तो d का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2 c1 c2, dx का फॉर्मूला है c1 c2 b1 b2, और dy का फॉर्मूला है a1 a2 c1 c2, और xy का dx बटे d, और y का है dy बटे d। तो चलो हमने फॉर्मूला लिख लिया है, अभी हम इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसे कीमत लिख ले, सबकी कीमतें लिख ले, सबका ज़रीब लिख ले, a1 b1 c1। तो चलो सबकी कीमतें लिखेंगे, a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -4 है, और c1 है 10, a2 है, अब हम दूसरी मसावत लेंगे, a2 4 है, b2 3 है, और c2 5 है। हमने सबकी कीमतें लिख ली है, अब हम d मालूम करेंगे। d सबका फॉर्मूला लिख लो, डी का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। हम सबकी कीमतें रख देंगे, कीमतें रखने पर a1 की कीमत है 3 और a2 की कीमत है 2, a2 की कीमत है 4 और b1 की कीमत है -4 और b2 की कीमत है 3। इसकी कीमतें रखने पर अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तिरछी ज़रब करना है, तिरछी ज़रब। तो हम तिरछी ज़रब करेंगे 3 ज़रब 3 माइनस 4 माइनस 4 हम इसकी ज़रब करेंगे, डी बराबर 3 3 9 हो गया, नफी नफी जमा 4 चौक 16,
अब हम जमा कर देंगे तो 9 और 16 हो गया 25, तो हमें क्या मिल गया, डी की कीमत मालूम हो गई। अब हमें डी एक्स मालूम करना है, तो डी एक्स का फॉर्मूला लेंगे। डी एक्स का फॉर्मूला है C1 C2 B1 B2, सबकी कीमतें रख लेंगे। C1 की कीमत है 10 और C2 की कीमत है 5, B1 की कीमत है -4 और B2 की कीमत है 3। यहाँ पर भी हमें तिरछी ज़रब करना है, तो हम तिरछी ज़रब कर लेंगे, 10 ज़रब 3 -4 ज़रब 5। अब मैंने यहाँ पे कॉस में इसलिए लिए यहाँ पे ली कि दोनों जब दोनों वर्ड की आदाद की ये जो निशानी हो मिल जाएगी तो पता नहीं चलेगी, इसलिए हम इसे कॉस में लेते हैं। हाँ, तो डी एक्स ज़रब करेंगे, 10 3 30 हो गया, -5 20। अब डी एक्स इसकी जमा करेंगे तो डी एक्स हमें मिल गया 50। क्या मिल गया, डी एक्स हमें मिल गया 50। अब हम डी वाई मालूम करेंगे, डी वाई मालूम करेंगे तो डी वाई का फॉर्मूला लेंगे। A1 A2 C1 C2, A1 की कीमत क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे। A2 की कीमत 4 है और C1 की कीमत 10 है, तो 10 लिख लेंगे और C2 की कीमत है 5, तो 5 लिख लेंगे। इसकी भी तिरछी ज़रब होगी। अब DY मालूम करेंगे फटाफट, ज़रब करेंगे, 3 ज़रब 5 -4 ज़रब 10, ज़रब करें 3 5 15 और -4 4 2 में 40। अभी 40 में से 15 गया, 40 में से 15 गया तो कितना बचा, 25 बचा, तो हमें डी वाई कीमत क्या मिल गई, 25। अब हम x और y की कीमत मालूम करेंगे, तो पहले x की कीमत मालूम करते हैं। इसका फॉर्मूला है dx/d, तो हमें dx की कीमत क्या मिली थी, 50 मिली थी, हमने 50 लिख दी है, और d की कीमत क्या मिली है हमें, 25, तो हम 25 लिख लिए। अब हमें इसे काटना है, हमें कैंसिल करना है, तो हमें कैंसिल पेंसिल से करना चाहिए, पेन से नहीं करना चाहिए, तो 25 एक 25 25 दूनी 50, तो हमें डी क्या मिला, नहीं एक्स क्या मिला, हमें एक्स 2 मिल गया। अब वाई मालूम करेंगे तो dy/d क्या मिला, 95, और dy 25 मिला और d कितना मिला, 25। ये क्या है, -25 यहाँ पे हमने छोटे में से बड़े अदद को तकसीम किया है, और वैसे भी बड़े की निशानी है ये माइनस, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो फिर हम इसको काटेंगे पेंसिल से, 25 एक 25 25 एक 25, तो हमें मिल गया fy मिल गया -1, क्योंकि माइनस की निशानी इसमें लगेगी, तो हमें xy की कीमत मिल गई 2 और -1। अस्सलाम वालेकुम।